जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम खड़े हैं जन्मभूमि पथ पे, यानी जहां से आप रामलला का दर्शन करने जाओगे उस पथ पे। और इस वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे किस तरीके से आपको दर्शन करने जाना है, क्या प्रोसेस होता है, कहाँ पर सामान जमा होता है, कैसे कैसे आपको जाना होता है, सब कुछ इस वीडियो में दिखाएंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अभी देखिएगा भीड़ इस तरीके से श्रद्धालुओं का है राम पथ पे, इसके जस्ट बगल है जन्मभूमि पथ, वहीं से हम चलेंगे और आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। इस तरीके से भीड़ है। और जो भाई कॉमेंट कर रहे थे कि 5 से 10 हज़ार श्रद्धालु ही दर्शन कर रहे हैं, तो आज आप लोग अपना आँख खोल कर देखिए कि किस तरीके से अभी भी भीड़ उसी तरीके से बनी हुई है और दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। तो चलिए किस तरीके से चलना है आपको दिखाते हैं। यह दोस्तों रामपथ का नज़ारा जो आप अभी अपने आंखों से देख रहे हो, और ये है जन्मभूमि पथ। तो यहाँ से आपको बैरियर लगा मिल जाएगा, यहाँ से आपको घूम के जाना है, यहाँ से बैरियर के साइड से, और उसके बाद आगे किस तरीके से जाना है सब कुछ आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी बिल्कुल ये शाम का टाइम है, करीब करीब 3 बज रहे होंगे और ये माहौल बना हुआ है यहाँ का, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो। और मैं अगर आज का डेट बता दूँ तो आज 18 तारीख है, यानी 18 मार्च। हर भाई कमेंट करते हैं कि डेट बता दीजिए कि ये, चलिए बिल्कुल डेट बताएंगे, सब कुछ आपको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग दिखेगा भी तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर, और अंदर आपको पूरा व्यू दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से सारा प्रोसेस है, सब कुछ आपको बताएंगे, कहाँ से दर्शन करके आपको निकलना है और कहाँ से अंदर जाना है, सब कुछ आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से आपको भीड़ देखने को मिलेगा, यहाँ से फिर से आपको बैरियर मिल जाएगा, आपको फिर से घूमना है, उसके बाद जो है जन्मभूमि पथ पर आप पहुँच जाओगे, यहाँ से आपको जाना है अंदर की ओर। आपको प्रवेश द्वार भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर बना हुआ है, साथ ही साथ श्रद्धालुओं का जो है जयकारा प्रभु श्री राम जी के नाम का हमेशा आपको लगता हुआ दिखाई देगा। जितने श्रद्धालु बाहर से आते हैं जयकारा लगाते हुए प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने जाते हैं। अभी भाई भीड़ देखिए, बिल्कुल मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से श्रद्धालुओं का भीड़, श्रद्धालुओं का जमाव अभी बना हुआ है। और जो लोग गलत फहमी में थे कि 5 से 10 हज़ार ही दर्शन कर रहे हैं, भीड़ ख़त्म हो गई है, तो वो लोग वीडियो पूरा देखिए, आपको दिखाते हैं किस तरीके से भीड़ अभी भी बनी हुई है और अभी भी दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर आपको सुबह और शाम भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, हालांकि हो सकता है दोपहर में थोड़ा बहुत कम हो। जो लोग की एज ज़्यादा हो चुकी है वो लोग दोपहर में नहीं निकलना पसंद करते हैं भाई, उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसीलिए ये शाम का टाइम हो चुका है, करीब करीब 3 बज रहे हैं, 3 से ज़्यादा ही हो रहा होगा, तो वो आपको भीड़ और भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अगर आप सुबह आओगे तो सुबह भी आपको काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे भीड़ जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी इस तरीके से जिस साइड पर अभी हम खड़े हुए हैं, यहीं से हमें आगे की ओर जाना है और लेफ्ट साइड से जो है वापस आना है। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको जाना है अंदर, और कैसे कैसे आपको वापस आना है, क्या क्या चीज़ें हैं सबको दिखाते हैं। तो यहाँ से चलना है अंदर की ओर, भीड़ आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे है प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार से अब चल रहे हैं अंदर, और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं, ठीक है। इस पथ को भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया, बहुत खूबसूरत बनाया गया, मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पथ की अपलोड की है, जब ये बन रहा था सब कुछ मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर अगर आप लोग अभी देखिएगा तो कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं, जो कि ऊपर जो ये टीन शेड बोल सकते हो लगाया गया था श्रद्धालुओं की छाँव के लिए, उस पर जो है कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं। यहाँ पे भीड़ देखते हुए कुछ ना कुछ नया अपडेट किया जा रहा है। साथ ही साथ इस पथ से जो है श्रद्धालु जाते हैं, बीच में जो है एक और मार्ग बनाया गया है पतला सा, ठीक है, बैरियर को लगा के, जो लोग विकलांग हैं उनके लिए वहाँ से जाते हैं, जिनके पैर में प्रॉब्लम है, अच्छे से चल नहीं पाते हैं, या फिर उन्हें व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए ये साइड पे मार्ग बनाया गया। देखिए अब रेड रेड आपको पोल्स वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, जो कि एक पतला सा मार्ग बनाया गया है उन लोगों के लिए। यानी ये पूरी सुविधा दी जा रही है यहाँ पर श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए, जिनके जो लोग सही से चल पा रहे हैं वो इस मार्ग से चलें, जिनको कोई प्रॉब्लम है उनके लिए एक पतला सा मार्ग बना दिया गया है। ये सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर छांव भी काफ़ी अच्छा खासा रहता है, तो जो श्रद्धालु दर्शन करने वापस आ जाते हैं वो इस पथ पे बैठ के थोड़ा बहुत जो है आराम कर लेते हैं यहाँ पे। और वो जगह भी बनाई गई हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर भी देख सकते हो इस तरीके से श्रद्धालु जो है वो बैठे हुए आपको दिख जाएंगे। तो ये नज़ारा है कुछ जन्मभूमि पथ का, जो कि मैं बिल्कुल लेटेस्ट दिखा रहा हूँ 18 मार्च का। सब कुछ आप लोग देख लेना कि क्या चीज़ है, किस तरीके से आप लोग खुद ही अनुमान लगा लीजिएगा। जो लोग बोलते हैं ना कि दर्शन अब बहुत कम लोग कर रहे हैं, भीड़ नहीं होती है, तो आप लोग खुद ही देख सकते हो किस तरीके से भीड़ होती है, ठीक है।
ये सारी चीज़ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। ये माहौल है, लेफ्ट साइड से जो है लोग वापस जाते हैं और जो लोग दर्शन कर लेते हैं वो कुछ लोग जो है इस मार्ग पे बैठे भी रहते हैं, ठीक है। और वापस आकर भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको वापस भी आना है सब कुछ, ताकि आपको नॉलेज मिल जाए अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो। और हमेशा बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपका ही बेनिफिट है यार, आपको सारी चीज़ें का नॉलेज आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। अगर आप कभी भी रामलला का दर्शन करने आ रहे तो सब कुछ आपको पता ही रहेगा, किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने फैमिली में इसको शेयर कीजिए। जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग प्रभु श्री राम जी का दर्शन करना चाहते हैं, सभी के पास शेयर कीजिए। इस तरीके से आपको नज़ारा देखने को मिलेगा यहाँ पे। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आप लोग आ रहे हो तो प्लीज़ अगर आप गुटखा पानी वगैरह कुछ भी खाते हो तो ये चीज़ें मत यूज़ कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई काफ़ी अच्छे से होती है, ठीक है। तो बाकी चलते हैं आगे और आगे आपको चीज़ें दिखाते हैं। और साथ में आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर जो है हर जगह पे अलाउंस होने के लिए माइक्स वगैरह लगे हुए हैं, तो अगर आपके साथ कोई आने वाला छूट जाता है, कहीं पे भटक जाता है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको जो है अलाउंस करवाना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा भीड़ भाई, एक बार देखिए पीछे का व्यू कितना ज़बरदस्त है यार यहाँ का, और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और एक चीज़ और, हर जगह पे जो है CCTV कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, तो कोई भी उल्टा सीधा हरकत करने की कोशिश ना कीजिए, कोई भी चीज़ों को जो है यहाँ पे तोड़ने फोड़ने का चीज़ मत कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से यहाँ का है व्यू, और इधर भी कुछ कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं जो कि अभी पीछे वर्क किए जा रहे हैं अभी। यहाँ का इस तरीके से आपको व्यू देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो है इस तरीके से भीड़ अभी, ठीक है। तो लगभग जो है हम पहुंचने वाले हैं, जिस तरीके से आपको जहाँ से एंट्री लेना है वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं, जहाँ से आपको जो है अंदर की ओर जाना है। पर दोस्तों, जो प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाया जा रहा है, उनके मंदिर का जो ऊपरी का शिखर है, वो चीज़ यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बहुत सारे श्रद्धालु जो है यहाँ पे बीच में बैठे हुए हैं, बाकी इनको बीच में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि साइड में देखिए सिटिंग एरिया के लिए सीट बनाई गई है, वहाँ पर बैठिएगा। शाम के टाइम हो गया है तो थोड़ा बहुत जो है धूप भी कम हो चुकी है, तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, बाकी बीच में ना बैठिए भाई, आप लोग का ही के लिए ये चीज़ें की गई हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखिएगा तो जयकारा हमेशा लगता है प्रभु श्री राम जी के नाम से इस भीड़ में। और यहाँ पर देखिएगा तो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो है पानी पीने की व्यवस्था भी की गई है, पीछे का व्यू इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको इधर दिखाऊँ तो पानी पीने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, थोड़ा सा इधर मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें और यहाँ पर है उनकी व्यवस्था की गई है। तो इधर से हम चलते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी लगी हुई है, यहाँ पे लोग जो है पानी वगैरह भी पी रहे हैं, क्योंकि लोग जो है 500-600 मीटर इधर आते हैं धूप में, इस भीड़ से प्यास भी नहीं लग जाती। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम आगे और चीज़ों को आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखा, अगर हाँ एक चीज़ मैं वो बताऊँ, अगर आप लोग रुक रहे हो तो नाइट में अगर आप लोग दर्शन करने आ रहे हो तो यहाँ का एक लाजवाब व्यू आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग वगैरह बहुत ही बेहतर तरीके से सारी चीज़ें लगाई गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सामने आपको अमावा राम मंदिर का जो है वो मंदिर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जाके आप लोग जो है मुफ्त में भोजन प्राप्त कर सकते हो, हमेशा चलता रहता है। ये भी है कि शाम को बंद हो जाता है, 4 बजे के बाद ये बंद हो जाता है, बाकी जो है हमेशा ये यहाँ पे भोजन आपको उपलब्ध किया जाता है, बैठा के काफ़ी अच्छे तरीके से खाना जो है खिलाया जाता है। और यहाँ पर देखिएगा तो ये ट्रस्ट द्वारा इतना स्थान बनाया गया है, यहाँ पर जो है आपको फ्री में लॉकर्स भी मिल जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से हैं, पैसे नहीं पे करने हैं, अपना सामान वगैरह रख सकते हो यहाँ पर बैठ के, आप जो है अपने साथीगढ़ का जो है वेट भी कर सकते हो, जो लोग इधर उधर आपके पास जो आए थे वो खो गए हों या फिर इधर उधर हों, तो ठीक है। यहाँ पे ये इतना एरिया देखिए जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी चेकिंग होगी, आप जो बैग वगैरह लेकर आ रहे हो, फ़ोन लेकर आ रहे हो, तो यहाँ से जो है सिक्योरिटी चेकिंग होगी, यहाँ से आपको अंदर की ओर जाना है। और सामने जो है आपको प्रभु श्री राम जी का मंदिर के ऊपर का शिखर यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ बगल में जो है अमावा राम मंदिर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इतना स्पेस जो है आपको खाली दिखाई देगा, यहाँ पर इस तरीके से लोग जो है जब जो दर्शन करने जाएंगे, यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी के लिए अलग अलग जगहों पर बनाया गया है चेकिंग के लिए, तो चेकिंग होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से देखिए आपको मंदिर का व्यू इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा दर्शन करने, मैं आपको चलिए बताता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको जो है आगे की ओर जाना है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी चेकिंग होगी, और इस साइड से जो है आपको वापस निकल के जाना है अपने घर की ओर, यहाँ से निकल के जाना है, वो मैं आपको बताता हूँ, चल के दिखाऊँगा आपको सारी चीज़ें, ताकि आपको सब कुछ पता रहे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और दिखा दूँ, तो ये एरिया देखिए दोस्तों, सिक्योरिटी चेकिंग यहाँ पे होती है, और यहाँ पे आप जितने भी बैग वगैरह लेकर आते हो सबको आपको रख देना है, सबका सिक्योरिटी चेक हो जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ से आपको अंदर की ओर जाना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बैग वगैरह सबको जमा किया जाएगा, अपना जो है आपका स्लीपर वगैरह जूता पहन के आए वो सब जमा होगा, फ़ोन भी आपका जमा होगा इसके यहाँ से अंदर जाने के बाद, ठीक है सब कुछ। और यहाँ से आपको बाहर की ओर आना, देखिए ये एरिया जो आपको ये मार्ग दिख रहा होगा, यहाँ से अगर आप लोग प्रभु श्री राम जी का जब दर्शन करके आओगे तो यहाँ से आपको बाहर निकाला जाएगा,
इस मार्ग से, यानी जाना है उस मार्ग से जो मैंने आपको पीछे दिखाया जहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप हो रहा था, और यहाँ से आपको जो है बाहर की ओर आना। देखिए सभी लोग बाहर आ रहे हैं, सब लोग रामलला का दर्शन करके इधर से बाहर की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ से आपको बाहर आना है। ठीक है, अब देखिए ये सामने से मार्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस साइड से आपको जो है फिर से जाना है राम पथ पे। आप यहाँ से निकल जाओगे, यानी जब आपका रामलला का दर्शन हो जाएगा, आप लोग दर्शन कर लोगे, तो यहाँ से जो है आपको बाहर की ओर जाना है। वो भी चल के आपको मैं दिखाता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में पता रहे कहाँ से आना है कहाँ से जाना है सब कुछ। कोई हवाई फायर वाला मैं काम नहीं करता हूँ, बस ऐसे ऐसे बता दूँ, पूरा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उस साइड पे देखिएगा तो जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, सब लोग जो है रामलला का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ से करके वापस जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम भी और बाहर की ओर निकलते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता रहे। यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से आपको माहौल देखने को मिलेगा, और इस साइड पर आप लोग आके बैठ सकते हो। ठीक है, मैं आपको पहले बोला ना, मैं आपको जगह बताऊँगा, तो यहाँ पे आप आके बैठ सकते हो। बीच में जो है एक लेयर बना दी गई है बैठने के लिए, वहाँ पे बैठ सकते हो, या फिर राइट साइड पे हमारे आप देख सकते हो बहुत स्पेस जो है फुटपाथ के लिए ऊंचा बनाया गया स्पेस, वहाँ पर भी बैठ सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि जब भीड़ ज़्यादा रहे तो आप भी बैठने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लोग जो है ज़्यादा आए जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आप अपने सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलते हैं हम आगे, और आगे आपको सारी चीज़ें और भी बताते हैं क्या क्या चीज़ें इस पर आपको मिलने वाली है। यहाँ से आप लोग आओगे तो इस तरीके से आपको जो जाने को मिल जाएगा। ठीक है, बैरियर आपको बीच में लगा हुआ दिखाई देगा, उस साइड से जितने भी लोग आपको दिख रहे होंगे, देखिए इस तरीके से लोग आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा और भी दिखाऊं पास से, और इस तरीके से आपको भीड़ जो है अभी कंटिन्यू देखने को मिल जाएगी यहाँ पे जन्मभूमि पथ पे। बीच में आपको एक पथ और पतला सा दिखाई देगा, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो उन सारे लोगों के लिए है जिनके पैर में प्रॉब्लम होता है, जिनको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए है। ठीक है, और बाकी इस तरीके से यहाँ का माहौल इस साइड से, और यहाँ से जो है आपको जाना है। तो फिलहाल हम भी चलते हैं और आपको जो है प्रवेश द्वार तक चल के दिखा देते हैं किस तरीके से आपको जाना है। ठीक है, मैंने जहाँ से वीडियो को स्टार्ट किया था किस तरीके से आपको अंदर आना है दर्शन करने के लिए, ठीक है, सब कुछ मैंने बताया। अब मैं चल के बताता हूँ कि कहाँ से आपको जो है बाहर निकल जाना है, वो भी चीज़ें दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आपको माहौल देखने को मिलेगा। अब जो है सही मायने में जो ऊपर से ये पूरा छाँव के लिए टीन शेड वगैरह वो लगाया गया था, इसका सही उपयोग अब हो रहा है। ये श्रद्धालुओं को काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाता है, क्योंकि इस मार्ग की जो है लंबाई करीब 566 मीटर के आसपास की है, जिसकी वजह से अगर लोग वैसे भी दर्शन करने आते, दोपहर दोपहर में इतना तगड़ा धूप होता है यहाँ पे कि प्रॉब्लम हो जाती। और ये चीज़ गवर्नमेंट बहुत अच्छा की है कि यहाँ से जो है जगह जगह पर उनको छाँव मिल जाता है, लोग बैठ के विश्राम भी कर लेते हैं, उसके बाद जो है दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ का माहौल देखिएगा, तो अभी हम पहुँच चुके हैं सुग्रीव किला के पास। राइट साइड पर जो है सुग्रीव किला है, यहाँ पर भी जाके आप दर्शन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से अगर आप लोग भीड़ दिखेगा, क्योंकि इस साइड पे जो है मार्ग थोड़ा सा ढलान टाइप का है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि अभी क्या वर्क इसमें बचा हुआ है, लोग ये कर रहे हैं ऊपर जो टीन शेड वगैरह लगाया गया था, और श्रद्धालु भी इतना आ रहे, तो भाई थोड़ा सा रिस्क भी है कि लोहे की पाइप वगैरह लगा रहे हैं तो प्रॉब्लम भी होती है। फिलहाल जो है हम पहुंच चुके हैं प्रवेश द्वार के पास, यहां से आपको प्रवेश द्वार देखने को मिल जाएगा। हमारे राइट साइड पे आपको कुछ एरिया मिलेगा जहां पे आपको हेल्प लाइन बोल सकते हो, हेल्प सेंटर बोल सकते हो, मिल जाएगा। जहां से आपको इस साइड पे मैं दिखाता हूं, यहां पे आपको व्हील चेयर वगैरह मिल जाएंगी, आप आरती का पास वास बनवाना चाहो आप, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आपका बन जाएगा। देखिए इतने एरिया में, ये प्रवेश द्वार की जस्ट बगल ही है, तो आप लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पर करा सकते हो। ठीक है, और एक हेल्प सेंटर छोटा सा उस साइड पर जिस तरह मैं अभी आपको दिखाया, ठीक है, उस साइड पर भी है, तो वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें जो आपको क्वेरी वगैरह हो आप जाके वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आपको व्यू देखने को मिलेगा, और आपको सामने जो है बिरला धर्मशाला भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप कमरा वगैरह ले सकते हो, और यहाँ से इतना ज़बरदस्त आप लोग भीड़ देखिए भाई, अभी ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना तगड़ा वाला भीड़ है यहाँ पर, पूरा लोग जो है दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं, और यहाँ से दर्शन करके जो वापस आ रहे हैं वो भी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। देखिए इतना तगड़ा भाई भीड़ है पूरा, ये माहौल देखिए, ये सब लोग बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। और अब जो हम लगभग राम पथ पे आ चुके हैं, और ये पीछे का एरिया आपको दिखाते, इधर से हम आए सब कुछ, ठीक है, मैंने दिखा दिया ये चीज़ है, ये राम पथ पे हम लगभग पहुँच चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ज़रा सा भी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फैमिली में हर जगह पर, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने हर चीज़ को बताने की कोशिश की है, और आगे और एक अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ मैं इसी दर्शन के रिलेटेड, जिनमें मैं जहाँ तक जा सकूँगा फ़ोन लेकर वहाँ तक आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा, तो वो वीडियो आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।